बच्चों, हमने देखा था कि विश्व में जनसंख्या का वितरण और घनत्व कैसा है, कहाँ पर विश्व के किन किन क्षेत्रों में, किन किन देशों में हमें ये जनसंख्या का फैलाव बहुत ज़्यादा मिल रहा है, कहीं पर बहुत कम मिल रहा है। तो इसके कारणों पर भी हमने बात की थी कि कौन कौन से कारण हैं जो इस पर प्रभाव डालते हैं। अब आज हम बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि या पॉपुलेशन ग्रोथ पर। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये पॉपुलेशन ग्रोथ या जनसंख्या वृद्धि है क्या। तो यदि हम इसे एकदम सामान्य शब्दों में समझें तो दो समय अंतरालों के बीच किसी भी स्थान के जनसंख्या में या वहाँ रहने वाले लोगों की संख्या में जो परिवर्तन होता है उसे हम जनसंख्या वृद्धि या पॉपुलेशन ग्रोथ के नाम से जानते हैं। दो समय अंतराल यदि हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया, जैसे उदाहरण लेते हैं, हमारे भारत में जो जनगणना है वो हर 10 वर्ष के अंतराल पर होती है। तो मान लो कि 2001 में जो जनगणना की गई और उस 2001 जनगणना के अनुसार हमने देखा कि भारत की जो जनसंख्या थी वो 102.86 करोड़ थी, और वही बढ़कर जब 2011 जनगणना, जो हमारी पिछली अंतिम जनगणना हुई है, तो उस 2011 जनगणना के दौरान ये जनसंख्या जो है वो बढ़कर 121.01 करोड़ हो गई। तो हम क्या देख रहे हैं, दो समय अंतराल हो गया। दो समय अंतराल मतलब एक 2001 की जनगणना और दूसरी 2011 जनगणना, ये दो समय बिंदु हो गए। अब इसमें हमने देखा कि भारत में जो जनसंख्या रहती है या भारत में जो व्यक्ति निवास करते हैं उनकी संख्या में परिवर्तन हुआ। परिवर्तन कैसा परिवर्तन हुआ कि जो 102.86 करोड़ थी 2001 जनगणना के दौरान, वही 2011 में बढ़कर 121.01 करोड़ हो गई। तो इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं, दोनों में अंतर हुआ, संख्या में, निवासियों की संख्या में परिवर्तन हुआ, और ये पिछली जनगणना से बढ़कर 18.15 करोड़ की वृद्धि जो है इस जनगणना में या जनगणना में निवासियों की संख्या में परिवर्तन देखा गया। और परिवर्तन कैसा था, वृद्धि के रूप में हमने देखा। तो इसमें हम एक बात और चर्चा करेंगे कि जनसंख्या वृद्धि तो ठीक है कि किसी दो समय अंतराल, दो समय बिंदु में किसी भी क्षेत्र, देश, राष्ट्र या पूरे विश्व की भी हम बात कर सकते हैं, इस दौरान जब वहाँ पर निवासियों या व्यक्तियों की संख्या या जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है उसे हम जनसंख्या वृद्धि के नाम से जानते हैं। लेकिन जब हम जनसंख्या वृद्धि कह रहे हैं तो ये जो वृद्धि है, जनसंख्या वृद्धि है, वो ऐसा नहीं होगा कि हमेशा उसमें बढ़ने की या वृद्धि की ही प्रवृत्ति जो है वो देखने को मिलेगी। हो सकता है कि दो समय बिंदुओं के बीच में ये जो संख्या है जनगणना के दौरान, या हम कहें कि जनसंख्या या व्यक्तियों की संख्या में जो परिवर्तन है वो कम भी हो सकता है, उसमें कमी की प्रवृत्ति भी देखने को मिल सकती है और वृद्धि की प्रवृत्ति भी देखने को मिल सकती है। वृद्धि की प्रवृत्ति, जैसा हमने देखा कि इन दो समय बिंदुओं में हमारे भारत देश की जो जनसंख्या है उसमें 18.15 करोड़ की जो वृद्धि है वो दर्ज की गई है। और हम आगे चर्चा भी करेंगे कि विश्व में और भारत में भी अलग अलग समय के दौरान जो है वो जनसंख्या में अलग अलग परिवर्तन देखने को मिले हैं। हालांकि हम जब बात करते हैं तो ये वृद्धि की प्रवृत्ति कई इसमें हम देखेंगे, इससे संबंधित संकल्पनाएं हैं जिसमें हम पहले थोड़ी बात कर लेते हैं। ये तो हो गई जनसंख्या वृद्धि की बात। अब हमने देखा कि दो जो समय अंतराल थे, अब जब हम भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो ये दशकीय, प्रत्येक 10 वर्ष के दौरान ये जनगणना की जा रही है। तो जब हमने इसमें सामान्य कैलकुलेशन कर लिया कि भाई इतनी थी और जनसंख्या बढ़कर इतनी हो गई तो इसमें कितनी वृद्धि या कमी हुई, अब इसी को जब हम
प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं तो उसे हम जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। और चूंकि भारत में हम प्रत्येक 10 वर्ष के दौरान ये जनगणना का कार्य करते हैं तो यहाँ हम इसे दशकीय वृद्धि दर कहते हैं। मतलब सामान्य संख्या में जब हमने व्यक्त किया तो उसे जनसंख्या वृद्धि कह दिया, और जब हम उसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त करेंगे, मतलब जितनी वृद्धि हुई है, जो वृद्धि जनसंख्या में वृद्धि जो हुई है उसके बटे जो पिछली जनगणना है, उस जनगणना में व्यक्तियों की संख्या या जनसंख्या गुणित 100, उसको हम 100 से गुणा कर देंगे उसमें भाग देकर, तो प्रतिशत जो है वो निकल कर आ जाएगा। और हम देखते हैं भारत के ही संदर्भ में हम चर्चा कर लेते हैं कि यदि हम भारत की 2011 की जनगणना में दशकीय वृद्धि दर की गणना करेंगे तो हमने देखा कि 2001 से 2011 के दौरान 18.15 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई थी जनसंख्या में। तो जनसंख्या वृद्धि 18.15 करोड़ बटे हमने उसको डिवाइड कर दिया, भाग दे दिया जो पिछली जनगणना 2001 की जो जनगणना थी 102.86 करोड़, तो पिछली जनगणना से हमने इसे भाग दे दिया और उसे मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, 100 से गुणा कर दिया, तो हमारा प्रतिशत निकल कर आ जाता है 17.64%। और यही 17.64% जो है ये भारत की दशकीय वृद्धि दर है। किस समय की? वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार। तो ये हो गई दशकीय वृद्धि दर। जब हम 10 वर्ष के अंतराल में जनसंख्या में वृद्धि को प्रतिशत में ज्ञात कर रहे हैं, अब भाई जरूरी नहीं है कि हम 10 वर्ष के अंतराल में, हालांकि जनगणना हर 10 वर्ष में होती है तो हम दशकीय वृद्धि दर निकाल रहे हैं, लेकिन हम इसे वार्षिक वृद्धि दर के रूप में भी ज्ञात कर सकते हैं। मतलब प्रत्येक वर्ष की जो जनसंख्या है उसमें जो परिवर्तन है उसको जब हम प्रतिशत में व्यक्त करते हैं तो उसे हम वार्षिक वृद्धि दर कहते हैं। जैसे भारत में जो वार्षिक वृद्धि दर है वो 1.64% है। हाँ, इसमें एक बात और है कि ये जो वृद्धि होती है उसके घटक कौन कौन से हैं, मतलब किस कारण से जनसंख्या में ये परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। तो पहला है जन्म दर, जिसे हम क्रूड बर्थ रेट भी कहते हैं, अशोधित जन्म दर। दूसरा है मृत्यु दर, जिसे CDR या क्रूड डेथ रेट या अशोधित मृत्यु दर भी कहते हैं। और तीसरा है प्रवास, माइग्रेशन। ये तीन घटक या तीन कारक हम कह सकते हैं जिनके कारण जनसंख्या में परिवर्तन देखने को मिलता है, कि जनसंख्या में ये जो परिवर्तन है। इन घटकों पर चर्चा करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जब हम बार बार जनसंख्या वृद्धि की बात कर रहे हैं तो ये वृद्धि जो है वो किस रूप में होती है। तो इससे संबंधित जो संकल्पनाएं हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। जनसंख्या की जो वृद्धि है ये सामान्य वृद्धि कहेंगे, जनसंख्या की वृद्धि। तो हमने देखा कि 2 समय अंतरालों के बीच जनसंख्या में परिवर्तन या व्यक्तियों की संख्या में जो परिवर्तन था, पिछली जनगणना और उसमें माइनस कर देंगे वर्तमान जनगणना, तो हमारी जनसंख्या की वृद्धि निकल जाएगी। दूसरा है वृद्धि दर, तो ये वार्षिक वृद्धि दर भी हम निकाल सकते हैं और दशकीय वृद्धि दर भी। जब हम इस परिवर्तन को व्यक्तियों की संख्या में, इस परिवर्तन को प्रतिशत के रूप में ज्ञात करते हैं तो हम इसे वृद्धि दर कहते हैं। अब ये वृद्धि दर जो है ये कई रूपों में है। पहला हम देख रहे हैं यहाँ पर वास्तविक वृद्धि, दूसरा धनात्मक वृद्धि, और या फिर होगी ये ऋणात्मक वृद्धि। वास्तविक वृद्धि का मतलब ये होता है कि हमने जो भी बात की थी कि जनसंख्या वृद्धि के लिए जो जिम्मेदार कारक हैं, जिसमें तीन हमने देखा था, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, तो इस पर हम बात कर लेते हैं कि किसी भी स्थान विशेष में जब उस स्थान का जो जन्म दर है, मतलब
जन्म लेने वाले व्यक्तियों की संख्या किससे अधिक हो जाएगी? मरने वालों की संख्या से, मतलब मृत्यु दर से, डेथ रेट से। जब बर्थ रेट की जो संख्या है वो अधिक हो जाती है तब जनसंख्या में वृद्धि जो है वो दर्ज की जाएगी। भाई मरने वाले कम हैं और जन्म लेने वाले अधिक हो गए तो नेचुरली है कि उस स्थान पर जो है जनसंख्या में वृद्धि दर्ज की जाएगी। तो ये जो ये प्राकृतिक कारक है ना, मतलब किसी भी व्यक्ति का जो जन्म है या उसकी जो मृत्यु है वो प्राकृतिक है ना। तो इस कारण से जो वृद्धि होती है, जो वृद्धि दर्ज की जाती है जनसंख्या में कमी या वृद्धि जो है, इसे हम जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि जो है वो कहते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं जनसंख्या की जो ये वृद्धि है ये धनात्मक भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, या फिर वो निगेटिव भी हो सकती है। भाई ज़रूरी नहीं है ना कि हर बार जनसंख्या में वृद्धि दर्ज की जाए, हो सकता है कि इन व्यक्तियों की संख्या में कमी भी जो है वो दर्ज की जा सकती है। तो जब दो समय अंतराल में व्यक्तियों की संख्या में किसी स्थान विशेष में व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि होती है तो हम इसे धनात्मक वृद्धि या पॉजिटिव ग्रोथ कहते हैं, और जब किसी दो समय अंतराल में, दो समय बिंदु में किसी स्थान की जनसंख्या में या व्यक्तियों की संख्या में कमी दर्ज की जाती है, कमी की प्रवृत्ति देखी जाती है तो हम उसे ऋणात्मक या निगेटिव ग्रोथ भी कहते हैं। तो बच्चों ये आपके बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये छोटे प्रश्न के रूप में या एक लाइन का उत्तर जो है एकदम शॉर्ट टाइप आंसर में भी आपसे पूछा जा सकता है कि जनसंख्या वृद्धि क्या है या वृद्धि दर किसे कहते हैं, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि क्या है, ऋणात्मक वृद्धि क्या है, जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि क्या है या वास्तविक वृद्धि क्या होती है। तो इस हिसाब से ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये आपको पता होना चाहिए। या इसके साथ ही जो वृद्धि दर है कि वृद्धि दर कैसे निकाला जाता है, अभी हमने बात की थी जब हम जनसंख्या की वृद्धि को या जनसंख्या में परिवर्तन को प्रतिशत में व्यक्त करते हैं, जिसमें हमने देखा था कि जनसंख्या की वृद्धि डिवाइडेड बाय पिछली जो जनगणना है उसमें व्यक्तियों की संख्या, और जब हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से तो हमारा वृद्धि दर जो है वो निकल जाता है। तो ये फार्मूला भी आपसे पूछा जा सकता है। अब हम इसमें देखते हैं कि हमने प्राकृतिक वृद्धि दर की तो बात की थी या प्राकृतिक वृद्धि की बात की थी, जिसमें हमने देखा कि जब प्राकृतिक रूप से व्यक्तियों की संख्या में कमी या वृद्धि की प्रवृत्ति मिलती है तो हम इसे प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। लेकिन वास्तविक वृद्धि ज्ञात करने के लिए हमें इसका फॉर्मूला अलग होता है। मतलब जरूरी नहीं है कि जन्म लेने वाले जो हैं वो अधिक हो जाएं मरने वालों से, या हम ये कहें कि जन्म लेने वालों की अपेक्षा मरने वालों की संख्या अधिक हो जाए, इसी से जो है वो जनसंख्या में परिवर्तन होगा। आपको एक बात और पता होगी कि इन सब के अतिरिक्त लोगों में या किसी स्थान की जो जनसंख्या है उसमें प्रवास की प्रवृत्ति भी जो है वो देखी जाती है। प्रवास या माइग्रेशन, ये क्या होता है? जब कोई व्यक्ति जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है तो हम उसे प्रवास कहते हैं, और इसके कारण भी जनसंख्या में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो भाई ये प्रवास भी दो प्रकार से होते हैं या दो प्रकार के होते हैं। जैसे कि अभी हमने बात की कि कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है तो एक स्थान से वो बाहर जा रहा है और दूसरे स्थान में वो एंट्री कर रहा है, प्रवेश कर रहा है। तो इस आधार पर इसे ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका आप्रवास या हम इसे इमिग्रेशन, और दूसरा होता है उत्प्रवास या इमिग्रेशन। आप्रवास या इमिग्रेशन क्या होता है? जब कोई व्यक्ति किसी स्थान को छोड़कर दूसरे देश में जाता है तो जिस देश में वो जा रहा है वहाँ के लिए वो आप्रवासी या इमिग्रेंट होगा।
लेकिन जिस स्थान को छोड़कर वो जा रहा है उस स्थान के लिए वो उत्प्रवासी या इमिग्रेंट होगा। तो भाई जिस स्थान को छोड़कर जा रहा है वहाँ की जनसंख्या में हमें क्या देखने को मिलेगी, कमी की प्रवृत्ति देखने को मिलेगी, लेकिन जिस स्थान में वो जा रहा है वहाँ की जनसंख्या में हमें वृद्धि देखने को मिलेगी। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि जो जनसंख्या में वास्तविक वृद्धि है उसमें उसको निकालने का फॉर्मूला होता है बर्थ माइनस डेथ प्लस इमिग्रेंट माइनस एमिग्रेंट। मतलब जन्म लेने वालों की संख्या को हम माइनस कर देंगे मरने वालों की संख्या से, और इस संख्या में हम प्लस कर देंगे जो अप्रवासी या इमिग्रेंट को माइनस करेंगे एमिग्रेंट से या उत्प्रवासियों से। इस प्रकार से हम जो जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि है उसको निकाल सकते हैं। बच्चों हम प्रारंभिक समय से या ईसा पूर्व से अभी तक वर्तमान समय तक की हम बात करें तो हम देखते हैं कि हमको जनसंख्या में जो है विश्व की जनसंख्या की बात करें या हम किसी भी देश या राष्ट्र की जनसंख्या की बात करें तो उसमें अलग अलग टाइप की प्रवृत्तियां हमें देखने को मिलती हैं। कुछ समय ऐसा रहा जब हमने देखा कि जो जन्म दर है उसकी अपेक्षा मृत्यु दर बहुत अधिक हो गई, कभी जन्म दर की प्रवृत्ति हमें बहुत अधिक देखने को मिली, और इसके साथ साथ इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है इमिग्रेंट्स और एमिग्रेंट्स की, जिसके कारण जनसंख्या में हमको हर दशक में जो है या हर प्रत्येक शताब्दी की हम बात करें तो अलग अलग टाइप की जनसंख्या में वृद्धि की प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं। और विशेषकर हम देखेंगे कि जनसंख्या में वृद्धि तो हुई है, पूरे विश्व की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन इस वृद्धि में हम स्पेशली देखेंगे कि जो 20वीं शताब्दी थी उसमें इस 20वीं शताब्दी के दौरान एक आश्चर्यजनक वृद्धि जो है वो दर्ज की गई है जनसंख्या में। तो ये वृद्धि क्यों हुई है, ये असाधारण वृद्धि दर्ज क्यों की गई, तो इसके कुछ कारण हैं जिस पर हम बात कर लेते हैं। उस समय पे हम देखते हैं कि हालांकि जन्म दर जो है वो तो ऊंची रही है, मतलब जन्म लेने वालों की संख्या तो अधिक रही है, लेकिन साथ ही साथ हम देखेंगे कि जो मृत्यु दर थी उसमें कमी देखने को मिली, मतलब मरने वालों की संख्या में कमी आ गई, और मरने वालों की संख्या में भारी कमी हुई। तो इस इतनी अधिक मात्रा में कमी का कारण ये रहा कि लगातार जो है चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार होता गया, नगरीकरण की ओर हम बढ़ गए। नगरीकरण की ओर बढ़ने से रोजगार के अवसर बढ़े, लोगों की आय बढ़ी, और इससे वो अपने पोषण स्तर में सुधार कर पाए। और साथ ही साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी जो है वो लगातार विकास की ओर हर एक नए आयाम की ओर बढ़ रही है, जिससे हमें चिकित्सा सुविधाओं में भी बहुत आशातीत सफलता मिली, जिसके कारण मरने वालों की संख्या या हम मृत्यु दर में काबू पा सके हैं। और जन्म दर भी अधिक हुई, क्योंकि जन्म लेने के समय हम देखते थे पहले कि पोषण में कमी के कारण कभी माँ की भी मृत्यु हो जा रही है, और साथ ही साथ जन्म लेने वाले शिशु भी बहुत अधिक मात्रा में मर जाते थे। तो इन सब पर कंट्रोल कर लिया गया, जिसके कारण जन्म दर में वृद्धि तो हुई ही, और साथ ही साथ हमने मृत्यु दर या डेथ रेट में भी बहुत हद तक जो है वो काबू पा लिया, जिसके कारण जो है जनसंख्या में वृद्धि जो है वो दर्ज की गई। साथ ही साथ हम इस समय ये देखेंगे कि जो कृषि और उद्योग थे, कृषि और उद्योग के क्षेत्र में भी बहुत तेजी से परिवर्तन हुआ, मतलब हम जो खाद्यान्न उत्पादन था उसमें आत्मनिर्भर तो बने ही, और साथ ही साथ हम उसमें देखेंगे कि निर्यात की प्रवृत्ति जो है उसमें भी वृद्धि हुई, और जिसके कारण हम आत्मनिर्भर बने और साथ ही साथ अधिक मात्रा में निर्यात भी करने लगे। तो हम सक्षम हो गए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा
अपनी जनसंख्या या अपने देश में रह रहे लोगों का भरण पोषण भी, उनके खाद्यान्न आवश्यकताओं की पूर्ति, उनकी पोषण का जो अनुपात है उसको हम बढ़ा पाए। और इन सभी कारणों से भी हम देखते हैं कि मृत्यु दर में हमने बहुत हद तक काबू पा लिया। लोगों का रहन सहन स्तर बढ़ा, जिसके कारण खाद्यान्न आपूर्ति होने के कारण भूखमरी से लोगों की मृत्यु नहीं हुई। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि उद्योग के क्षेत्र में हमने बहुत हद तक औद्योगिक प्रगति की। औद्योगिक प्रगति होने से बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला, रोजगार मिला तो उनकी आय के साधन बढ़े और वो अपनी खाद्यान्न आवश्यकताओं की पूर्ति, अपने रहन सहन के स्तर को बढ़ा सके। इसके अलावा हम एक और कारण देखते हैं कि इस शताब्दी के दौरान परिवहन के साधनों में बहुत तेजी से वृद्धि हुई। और जब परिवहन के साधनों में बहुत तेजी से वृद्धि हुई तो हम खाद्यान्न की कमी वाले क्षेत्रों में तो इसकी पूर्ति कर ही पाए। साथ ही साथ हम देखेंगे उस समय पे कि चिकित्सा सुविधा के, मतलब जो एकदम रिमोट एरिया थे, बहुत दूर दराज के जो क्षेत्र होते थे, जहाँ तक, जहाँ पर कृषि उत्पादन कम होता था तो हम उन तक खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं कर पाते थे। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि उन क्षेत्रों में जो चिकित्सा सुविधाओं का अभाव होता था, चिकित्सा फैसिलिटी नहीं मिल पाती थी, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव था, वहाँ हम अब अपनी परिवहन सुविधाओं के विस्तार के कारण हर क्षेत्र तक हम इन चिकित्सा सुविधाएं या खाद्यान्न आपूर्ति, चाहे वो अकाल हो या हम देखेंगे बाढ़ हो, किसी भी प्राकृतिक आपदाओं के समय भी हम उन तक अब ये सारी सुविधाएं जो है वो पहुंचा सकते हैं। इस कारण भी हम देखते हैं कि अकाल, भूखमरी या हम कहें कि बाढ़, सूखे या चिकित्सा के नहीं मिलने, सही समय पर सही इलाज नहीं मिलने से जो मृत्यु होती थी वो उस पर जो है परिवहन सुविधाओं के विस्तार के कारण जो है हर क्षेत्र में हम इन सुविधाओं को पहुंचा पाए और मृत्यु दर में जो है वो कमी देखने को मिली। अब ये जो जनसंख्या वृद्धि है या जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है उसके तीन महत्वपूर्ण घटक है जिनकी हमने अभी बात की थी थोड़ी देर पहले। तो पहला देखते हैं जन्म दर या बर्थ रेट। किसी भी स्थान में प्रति हजार व्यक्तियों में जो जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या है उसे हम जन्म दर कहते हैं। इसे निकालने का एक फार्मूला है CBR या जिसे हम कहते हैं क्रूड बर्थ रेट इज इक्वल टू B/P मल्टीप्लाई बाय 1000। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है बच्चों कि यदि आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए शॉर्ट आंसर टाइप में तो आप इसमें प्रति हजार की जगह 100 नहीं लिख देंगे। आपको ध्यान में रखना होगा जब भी हम जन्म दर और मृत्यु दर ज्ञात करते हैं तो उसे प्रति हजार व्यक्तियों पर ज्ञात करते हैं, इसलिए हमें 100 की जगह 1000 को मल्टीप्लाई करना है या गुणा करना है। तो यहाँ पर बी जो है वो बर्थ है, मतलब किसी भी वर्ष में, किसी वर्ष में जो जन्म लेने वाले व्यक्ति हैं किसी स्थान में उनकी संख्या, मतलब जीवित जन्मे जो बच्चे हैं उनकी संख्या हो गई बी। और पी उसी वर्ष में या उस वर्ष के मध्य की जो जनसंख्या है उसका तात्पर्य है यहाँ पर पी। पी का मतलब पूरे वर्ष की जनसंख्या नहीं, किसी वर्ष विशेष की जब हम जन्म दर ज्ञात कर रहे हैं तो उस वर्ष के मध्य की जनसंख्या उसको हम डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो हमारा CBR या क्रूड बर्थ रेट जो है वो निकल कर आ जाएगा। अब जब हम जन्म दर की बात कर रहे हैं तो ये जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कैसे है? भाई जब किसी स्थान में जन्म लेने वाले व्यक्तियों की संख्या अधिक हो जाएगी और मरने वालों की संख्या कम, मतलब मरने वाले से जन्म लेने वाले अधिक हो जाएंगे, तो नेचुरली है कि जन्म दर में वृद्धि से उस जन स्थान की जनसंख्या में परिवर्तन होगा या वृद्धि देखने को मिलेगी। तो हम ये बात करते हैं कि पूरे विश्व में यदि हम देखेंगे तो अलग अलग देशों में या सभी देशों में ये जन्म दर जो है वो अलग पाई जाती है, मतलब विश्व में ऐसे कई
देश हैं जहां पर मृत्यु दर उच्च है, और यहां मृत्यु दर उच्च होने का कारण वहां रहन सहन का जो स्तर है वो निम्न होना है। और इन सब के अतिरिक्त हम देखेंगे कि यदि किसी स्थान में, किसी देश में, और विशेषकर हम बात करेंगे कि जो विकसित देश हैं जितने भी विश्व के, वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ व्यक्तियों का जो जीवन स्तर है उच्च पाया जाता है, संसाधनों का समुचित उपयोग किया जाता है, रोजगार के अनेक अवसर वहाँ पर मिलते हैं जिससे लोगों की आय का स्तर अधिक होता है, और इन सब के कारण वहाँ लोगों का जीवन स्तर भी उच्च पाया जाता है। और इसके अतिरिक्त वहाँ पर जो कुपोषण है, या अकाल की बात करें हम, या जो महामारी है, इस टाइप की जो समस्याएं हैं, या प्राकृतिक आपदाओं की हम बात करेंगे, तो जिन स्थानों में ये कम देखने को मिलती है, साथ ही साथ जहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी, चिकित्सा संबंधी जो सुविधाएं हैं वो अच्छी तरह से उपलब्ध होती हैं, हाई टेक्नोलॉजी पाई जाती है, तो वहाँ पर हमें जो जन्म दर है या बर्थ रेट उस स्थान का अधिक मिलता है। और हम बात करें कि पूरे समय अवधि के दौरान, तो हम देखते हैं कि अभी हमने कहा था कि जनसंख्या में वृद्धि तो लगातार हो रही है, पूरे विश्व की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन स्पेशली जो 20वीं शताब्दी है वहाँ पर हमने देखा कि इस समय के दौरान जनसंख्या में बहुत अचानक से वृद्धि दर्ज की गई है और आशातीत वृद्धि हुई है। और इस वृद्धि का जो कारण है वो हमने देखा था कि परिवहन की सुविधाओं का विस्तार, जिसके कारण जो रिमोट एरिया या हमारी पहुंच से जो दूर क्षेत्र थे जहां पर हम चिकित्सा या बोले कि खाद्यान्न आवश्यकताओं की पूर्ति उन स्थानों पर नहीं कर पा रहे थे, वहां पर भी हम परिवहन सुविधाओं के विस्तार होने से ये सारी सुविधाएँ वहाँ उपलब्ध करा पाए। औद्योगिक विकास की हम बात करेंगे, कृषि के क्षेत्र में लगातार जो उन्नति और प्रगति दर्ज की गई जिससे हमारा उत्पादन बढ़ा, कृषि उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई, इन सभी कारणों से हम देखते हैं कि जो 20वीं शताब्दी के दौरान जन्म दर में बहुत अधिक वृद्धि जो है वो दर्ज की गई, और जिसके कारण पूरे विश्व में जनसंख्या वृद्धि देखने को मिली। और हम देखते हैं कि पिछले 50 वर्षों के दौरान जो जनसंख्या जन्म दर है वो लगभग स्थिर रह गया, मतलब लगभग 30 से 35 प्रति हजार। और वहीं हम देखते हैं जो मृत्यु दर थी उसमें हमको लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, मतलब पहले मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी, मरने वालों की संख्या बहुत अधिक होती थी किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण, किसी बीमारी के कारण, भूखमरी के कारण, या स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं हैं बीमारी का इलाज नहीं हो पाने के कारण, उसमें लगातार गिरावट की जो प्रवृत्ति है वो दर्ज की गई है पिछले 50 वर्षों के दौरान। और ये हम देखते हैं कि जो 35 प्रति हजार थी मृत्यु दर, डेथ रेट, वो घटकर अब लगभग 10 से 15 प्रति हजार व्यक्ति रह गई है। तो हम देख रहे हैं कि इतनी अधिक मात्रा में जन्म दर में वृद्धि हुई, उसके बाद ये लगातार जन्म दर जो है वो स्थिर बनी रही है, लेकिन मृत्यु दर जो है वो लगातार गिर रही है, मरने वालों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। तो इस कारण से जो जनसंख्या में वृद्धि की जो प्रवृत्ति है वो दर्ज की गई है, तो जन्म दर जो है वो एक प्रमुख कारण है जनसंख्या में परिवर्तन लाने वाला। अब जन्म दर के बाद हम देखते हैं मृत्यु दर। मृत्यु दर मतलब किसी क्षेत्र विशेष में मरने वालों की प्रति हजार व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को हम मृत्यु दर कहते हैं, या डेथ रेट कहते हैं। और डेथ रेट या इस मृत्यु दर को निकालने का जो फॉर्मूला है वो है आपका अशोधित मृत्यु दर के द्वारा हम इसे निकालते हैं, या क्रूड डेथ रेट, CDR भी हम इसे कहते हैं। और इसको निकालने का फॉर्मूला है D डिवाइडेड बाय P मल्टीप्लाई बाय 1000। D यहाँ पर है किसी वर्ष विशेष में मरने वालों की संख्या, डिवाइडेड बाय उसी वर्ष के मध्य में उस स्थान की जनसंख्या, और इसे डिवाइड करके जब हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से गुणा कर देते हैं, तो हमारा CDR निकल जाता है, या क्रूड डेथ रेट निकल जाता है।
अशोधित मृत्यु दर। तो अभी हमने देखा कि भाई किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति हजार व्यक्तियों के पीछे मरने वालों की संख्या को हम मृत्यु दर कहते हैं, और ये मृत्यु दर हम देखेंगे कि अलग अलग देशों में जन्म दर की भांति यहाँ पर भी हमको विविधता देखने को मिलती है। और हमने भी थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि जैसे विकसित देशों में जन्म दर अधिक होता है, वहाँ स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होता है, परिवहन सुविधाएं जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से विकसित होती हैं, साथ ही साथ महामारियां या किसी भी प्रकार की जो दुर्लभ बीमारियां हैं वो साइंस और टेक्नोलॉजी के विकास के कारण, इन सब पर काबू पा लिए जाने के कारण वहाँ पर जन्म दर जो है वो अधिक देखने को मिलती है। तो यही सब विपरीत कारण है उस स्थान में या उस क्षेत्र में मृत्यु दर में कमी लाने के पीछे। भाई हम जब बीमारियों पर गंभीर बीमारियों का इलाज ढूंढ लेंगे, क्योंकि हमने अपने साइंस का अपनी टेक्नोलॉजी का उतना विस्तार कर लिया है, हम इसी साइंस और तकनीक के विकास के ही कारण हम देखेंगे कि हमने उद्योगों का बहुत अच्छी तरह विकास कर लिया है, हम कृषि उत्पादन पर एक बहुत अच्छा उसे हम कह सकते हैं कि उस उत्पादन पर अपनी पकड़ बना ली है, जो हम आत्मनिर्भर होने के साथ साथ अतिशेष में उत्पादन कर रहे हैं और अन्य देशों को उसका निर्यात कर रहे हैं। तो क्या होगा, निर्यात कर रहे हैं तो हमें उससे आय हो रही है और हमारे देश के लोगों की प्रति व्यक्ति आय जो है वो बढ़ेगी, और इससे वहाँ रहने वाले लोगों के जो रहन सहन का या हम जीवन स्तर की बात करते हैं तो वो भी हमें बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। तो ये सभी कारण हैं जो किसी स्थान पर मृत्यु दर में कमी लाते हैं। और हमने अभी बात की थी कि जैसे जन्म दर जो है वो लगभग पिछले 50 सालों की हम बात करें तो वो जो लगभग स्थिर हो गया 30 से 35 हजार के बीच, और वहीं हम मृत्यु दर को देखेंगे कि ये मृत्यु दर जो है वो 35 प्रति हजार से घटकर 10 से 15 प्रति हजार के आसपास आ गया है। तो इस कारण से जैसे जन्म दर में वृद्धि होती है तो जनसंख्या में वृद्धि होती है या परिवर्तन देखने को मिलता है, वहीं मृत्यु दर में जो कमी होती है वह भी जनसंख्या में परिवर्तन लाती है। और कैसा परिवर्तन लाती है, जनसंख्या में वृद्धि की जो प्रवृत्ति है वो देखने को मिलती है।